सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने व्याकरण संबंधी कुछ पाठ को देखा था, अनुच्छेद लेखन देखा था और दो अनुच्छेद बापू का सपना, स्वच्छ भारत और मेरा कंप्यूटर, ये दो विषय पर हमने अनुच्छेद पढ़े थे। मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था और आप लोगों को अग्री करे था कि उसको हिंदी व्याकरण की फेयर कॉपी में लिखना है और उसको याद करना है। तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी की रोली पुस्तिका। यहाँ हमने नाना के घर मजे मजे पास तीन तक की पढ़ाई कर ली थी और आज हम देखेंगे यहाँ पे एक कविता है नाना के घर मजे मजे। पाठ का नाम वही है नाना के घर मजे मजे, लेकिन यह एक कविता है, इससे जुड़े कोई प्रश्न नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, लेकिन एक कविता है जो हमें पढ़नी है, इसका आनंद लेना है और इस कविता को हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब हम प्रश्न बनाते हैं तो अपठित काव्यांश जो रहता है कविता के कुछ पैराग्राफ, उसमें से कुछ प्रश्न बन के निकलते हैं, तो उसमें ये कविता हमें काम आ सकती है, हो सकता है इसी कविता में से वो प्रश्न बन के आए, तो इसीलिए हमें ये कविता को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और कविता में आए हुए बातों को हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि हम लोग नानी के घर में क्या करते हैं। तो नाना के घर मजे मजे पाठ में एक लड़की काव्या के बारे में बताया गया था, वो कैसे नाना के घर जाती है, अपने दोस्तों को लेके जाती है, वहाँ मजे करती है। ये तो बात हुई काव्या के नाना जी के घर की। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आम तौर पे नाना जी के घर नानी महा के हम लोग जाते हैं तो क्या क्या मस्ती करते हैं, सारे बच्चे किस चीज का आनंद लेते हैं, इस कविता के माध्यम से हम लोग देखते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ खाली स्थान बन के आए, कुछ इसमें पर्यायवाची सब निकले, विलोम सब निकले, तो वो कब हम लोग जानेंगे, जब इस कविता को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम कविता को लयबद्ध तरीके से पंक्तिबद्ध पढ़ते हैं। नाना के घर मजे मजे, भाई नाना के घर मजे मजे। नाना जी के घर जब हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, छुट्टियों के दिनों में हम लोग जाते हैं और सारे दिन दुनिया भूल के हम लोग बिल्कुल मस्ती और आनंद के साथ उन दिनों को बिताते हैं। तो नाना के घर मजे मजे, भाई नाना के घर मजे मजे, नहीं डांट का कोई झंझट, नहीं पढ़ाई का भी संकट, वहाँ हमें नाना और नानी जी के यहाँ डांटने वाला कोई नहीं होता है। नानी और नाना जी बहुत ही लाड प्यार से हम लोगों को रखती हैं, तरह तरह के पकवान खिलाती हैं, मम्मी तो थोड़ा बहुत डांट भी दी लेकिन नानी और नाना जी बिल्कुल नहीं डांटते हैं। और तो और वहाँ सबसे बड़ी बात क्या होती है, पढ़ाई का कोई झंझट नहीं रहता है, छुट्टियों के दिनों में हम लोग मस्ती करने जाते हैं, वहाँ कोई स्कूल कोई पढ़ाई नहीं, वहाँ सिर्फ मस्ती होती है, नहीं डांट का कोई झंझट, नहीं पढ़ाई का भी संकट, उछल कूद और मन की मस्ती करते दिन भर धमा चौकड़ी, वहाँ हम लोग दिन भर मस्ती में बीत जाता है, कैसे दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, हम लोग उछल कूद खेतों में घूमना, मेलों में घूमना, गांव घूमना और दिन भर धमा चौकड़ी में ही हमारा दिन बीत जाता है और खूब मस्ती में हम लोग दिन बिताते हैं। जो जी आए वो मैं खाऊं, नानी को मैं नखरे दिखाऊं, नानी के घर लोग जाते हैं तो अपनी पसंद के बच्चे पकवान बनवा के नानी से खाते हैं, नानी को भी पता रहता है कि उनके बच्चे को क्या पसंद है और वो बिना बोले ही उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाती हैं, रंग बिरंगी मिठाइयाँ। तो इस तरह से जब हम नानी के घर जाते हैं तो क्या करते हैं, जो जी में आता है वो मंगवा के खाते हैं, बनवा के खाते हैं और अपना नखरा दिखाते हैं। हलवा लड्डू दूध मलाई कुल्फी मैंने जी भर खाई, अब नानी के यहाँ जाते हैं तो लोग तरह तरह के पकवान खाते हैं, इन पकवानों में किस चीज का नाम दिया हुआ है, हलवा लड्डू दूध मलाई कुल्फी मैंने जी भर खाई, है ना, यहाँ खाली स्थान भी दे सकता है, हलवा लड्डू डैश मलाई डैश मैंने जी कर भर खाई, तो हम लोग इसमें क्या भर देंगे, हलवा लड्डू दूध मलाई कुल्फी मैंने जी भर खाई। इसमें अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो खाली स्थान आ सकता है, हलवा लड्डू डैश मलाई डैश मैंने जी भर खाई, तो हम लोग यहाँ पे दूध और कुल्फी भर देंगे तो ये हमारा पंक्ति पूरा हो जाएगा।
तो यहाँ नानी के घर कौन कौन से पकवानों की चर्चा की गई है? हलवा, लड्डू, दूध, मलाई, कुल्फी, ये सारी चीजें हम लोग नानी जी के घर में, नाना जी के घर में फरमाइश करके अपना नखा दिखा के नानी से खाते हैं। मम्मी जब भी आंख दिखाए नानी उनको डांट लगाए। अब मम्मी तो हम लोगों को डांटती है, अब यहाँ मम्मी को भी डांटने वाली कौन है? नानी है। मम्मी अगर हम लोग कुछ शैतानी भी करते हैं नानी के यहाँ, कुछ जिद, कुछ शरारतें भी करते हैं, तो अगर मम्मी हम लोग को थोड़ा आंख भी दिखा दी तो नानी मम्मी को ही डांट देती है और हमें बहुत लाड़ प्यार से रखती है। झूठ मूठ भी जब रो जाऊं नाना के संग चौक पे जाऊं। बच्चों की ये आदत होती है, घर से अगर कोई चौक चौराहे पे जा रहा हो तो सास चलने की जिद करते हैं, मैं भी जाऊंगा, या फिर वो पापा हो, चाचा हो, नाना हो, कोई भी हो। और नाना जी के यहाँ तो बच्चों की खूब मस्ती होती है, तो अगर झूठ के भी बच्चे रोने लगते हैं, नाटक भी करते हैं, तो नाना जी उन्हें साथ में कहाँ ले जाते हैं? चौक चौराहा घुमाने ले जाते हैं। गोल गोल गप्पा में खाऊं, दही पकौड़ी चट कर जाऊं। अच्छा, तो यहाँ चौक पे किस लिए जाया गया है? गोलगप्पा खाने के लिए और दही पकौड़े। तो नाना जी के साथ झूठ में रो के मैं चला जाऊं और वहाँ चौक पे क्या खाऊं? गोलगप्पे, दही पकौड़े, ये सब खा कर घर आऊं, मस्ती करके आऊं। ताजा ताजा जूस चढ़ाऊं, ठंडी लस्सी झट पी जाऊं। फलों का ताजा ताजा जूस जो फलों से निकाल के मार्केट में बेचा जाता है, चौक पे, चौराहों पे, दुकानों में, तो वो ताजा ताजा जूस भी पी के आया है और ठंडी लस्सी, दही की जो लस्सी बनती है, कभी लस्सी पिया, कभी जूस पिया, कभी गोलगप्पे खाया और कभी दही पकौड़ी। कैसे? झूठ मूठ का रो के नाना जी के साथ चौक पे जाके। नाना के घर मजे मजे भाई, नाना के घर मजे मजे। तो इतनी सारी मस्तियाँ बच्चे करते हैं अपने नानी और नाना जी के यहाँ। आप लोग को भी अपने मस्ती भरे दिन आ गए बच्चे, याद आ गया होगा बच्चे इस कविता को पढ़ के। तो आप लोग अपनी हिंदी रोली पुस्तिका खोल के इस कविता को 2 से 3 बार एकदम शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िएगा और याद कीजिएगा। इसे कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है, किताब से ही रीडिंग डालना है। पठन का अभ्यास भी जरूरी है। हम लोग क्लास चलाते हैं, क्लास जब ऑफलाइन क्लास चलती है, हम लोग कक्षा में बच्चों से रीडिंग डलवाते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को घर में शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है, हर एक पाठ को पढ़ना है, समझना है। तो इस कविता को आप लोग ध्यान से 3 से 4 बार पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, समझिएगा, ठीक है बच्चों? तब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।